दोस्तों, बॉलीवुड के जंपिंग जैक यानी जितेंद्र इंडस्ट्री के पहले चॉकलेटी बाय माने जाते हैं। 7 अप्रैल को इस दिग्गज एक्टर का जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े एक दिलचस्प किस्से। दोस्तों, इससे पहले आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे न्यू है तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, दरअसल बात उस वक्त की है जब भानु रेखा की ग्रेट फिल्म में काम कर रही थी। 1972 में आई फिल्म एक बेचारा के लिए BN घोषित जितेंद्र और रेखा दोनों को साइन किया गया। जितेंद्र उन दिनों जबरदस्त डांस किया करते थे, हालांकि इस वजह से उनका नाम जंपिंग जैक पड़ गया। यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक वही रेखा भी अपने बेकाबे बयानों के कारण सुर्खियों बटोर रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बात करने से कोई परहेज नहीं था। वो जो भी कहती थी खुलआम कहती थी, अपने किसी नफा नुकसान की चिंता किए बिना। खैर, फिल्म के शूटिंग शिमला में शुरू हुई। दोनों के बीच रोमांस की खबरें आने लगी। शूटिंग के बाद भी मुंबई में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। दोनों डिनर डेट पर जाने लगे, नज़दीकियां बढ़ने लगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि रेखा की मां पुष्पांजलि को भी जितेंद्र पसंद आने लगे, लेकिन जितेंद्र का मन कहीं और अटका था। उन्हें एयर होस्ट शोभा पसंद थी। इस बात को लेकर रेखा और जितेंद्र में झगड़ा होने लगे। अगले फिल्म अनोखी आदा में दोनों के बीच का तनाव लोगों को दिखने लगा था। हालांकि जितेंद्र अपने जूनियर आर्टिस्ट के सामने रेखा के बारे में कुछ ऐसे बातें करते हुए पा गए जिसे सुनकर रेखा के सारे सपने टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक कहा जाता है कि जितेंद्र अपने दोस्तों से कह रहे थे कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए रेखा का एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है। हालांकि रेखा ने एक इंटरव्यू में इस करवाहट का जिक्र किया था। रेखा ने कहा था कि मैं उस आदमी से नफरत करता हूं जिसने प्यार, रोमांस और शादी के बारे में बचपन से मेरे दिल में बसे आदतों को बर्बाद कर दिया। मैंने झूठी पर विश्वास किया। मैंने उन पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला था। मैंने बस इतना ही चाहा था वो मेरे साथ निष्ठरता से रहे, मुझे इतना दे दे जितना उन्हें इस रिश्ते से मिला। दोस्तों, अभी तक हमारे जय यादव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।